हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग कुटुंब ऐप पर से अपने अकाउंट को लॉग आउट करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुटुंब ऐप पर से अकाउंट को लॉग आउट करने का तरीका बताऊंगा, जिससे आप लोग कुटुंब ऐप पर अपने अकाउंट को आसानी से लॉग आउट कर सकेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। तो चलिए मैं लिए चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पर। सो फ्रेंड्स, कुटुंब ऐप पर से अपने अकाउंट को लॉग आउट करने के लिए सबसे पहले कुटुंब ऐप को ओपन करें। तो चलिए ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद थोड़ी देर वेट करें। तो चलिए वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुलकर आएगा। इंटरफेस खुलने के बाद अब आप नीचे की ओर राइट साइड में कॉर्नर के पास नजर आ रहे प्रोफाइल आइकॉन यानी कि प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही इस तरह से इंटरफेस खुलकर आएगा। इंटरफेस खुलने के बाद अब आप ऊपर की ओर राइट साइड में कॉर्नर के पास नजर आ रहे सेटिंग्स वाले आइकॉन पर क्लिक करें। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही इस तरह से फिर से इंटरफेस खुलकर आएगा। इंटरफेस खुलने के बाद यहां पर भी बहुत सारा ऑप्शंस देखने को मिलेगा। तो अब आप सबसे नीचे की ओर राइट साइड में कॉर्नर के पास नजर आ रहे लॉग आउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद फिर से इस तरह से दो ऑप्शंस आएगा। तो आप राइट साइड में नजर आ रहे यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही आपका अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा। अब लॉग आउट हो चुका है। सो फ्रेंड, इन सभी तरीके को इस्तेमाल करके आप भी कुटुंब ऐप पर अपने अकाउंट को लॉग आउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड, मेरी ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे अगले वीडियो पर।